बहुत से फैंस होंगे आपके डेफिनेटली पूरी दुनिया में सबसे क्रेजी फैन मोमेंट क्या रहा आपका मेरे साथ बहुत बहुत जो है वो क्रेजी मोमेंट्स हुए हैं बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा जो क्रेजी था ना वो बताएं मेरी एक लड़की फैन थी अच्छा और वो जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की उसके शायद चार पाँच साल बाद ही वो मेरी फैन बन गई अच्छा अच्छा और वो ऐसी मेरी क्रेजीस्ट टाइप फैन थी कि वो हर वक्त मुझे कॉल करती रहती थी हर वक्त अच्छा मुझे लगता था, कि वो सोती भी नहीं है mm. oh कुछ भी oh नहीं ऐसे रोती रहती थी, थी बस कि मुझे आपसे बहुत प्यार है अच्छा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तो कभी मिली आप उनसे हाँ बस वो भी एक वाक्या था कि वो अपना सब कुछ छोड़ के अपना घर बार छोड़ के तो मेरे घर आ गए भाई आप लोगों को तालियां नहीं आ रही हैं और ये तालियां उन छोड़ कि, हाँ, <laughs> <था। laughs> नहीं, 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 मतलब कि जिस वक्त मेरे अबू की डेथ हुई भी, उस वक्त भी वो मुझे फोन कर और मैंने उसको बताया कि मेरे अबू की डेथ हो गई है इस टाइम सामने मतलब ऐसे ये सारा कुछ हो रहा है और वो फिर भी नहीं मान रही और वो रो रही है जारो कतार के मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही और वो जब भी मैं अपना फोन देखती थी लगातार कोई चौदह पंद्रह साल My वो God. हर वक्त उसका फोन आ रहा था हर वक्त मैसेजेस इतने इतने, इतने इतने बड़े मैसेज इतने इतने बड़े मैसेज कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने बड़े बड़े मैसेज और उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता था कि आज मैं किस शो में जा रही हूँ किस में नहीं और वो उन जो होस्ट थी उनको भी फोन किया करती थी कि मतलब कि वो मुझे मेरी बात कराएं और इस तरह मतलब फैन होना बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा, ऐसा फैन, फैन भी थे बहुत ही ज्यादा हर वक्त वो भी ऐसे मुझे कॉल कर रहा है कभी वही जैसे मैसेजेस होते हैं वो करते हैं मैं एक नंबर से उसे ब्लॉक करती थी वो दूसरे से कर देता था तीसरा चौथा ऐसे करके वो करते थे तो आखिर में एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं ना अब आपके लिए चिल्ला काटने जा रहा हूँ oh शादी करना चाहता हूँ हाँ तो उसने मुझसे कहा कि मैं चिल्ला काटने जा रहा हूँ ताकि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए oh, अच्छा और मैं मेरी आपसे शादी हो जाए oh, oh, oh. तो मैंने आगे से उसको कहा मेरी गर्ल सुन सर्दी बहुत ज्यादा

के लिए कभी भी किसी किसी को को लारा नहीं लगा। क्या बात बात मेरी चाहे बात किसी को अच्छी लगे बुरी आपकी शायरी में इतनी ताकत है कि लोगों के दिलों में उछलने मचलने लगे <laughs> आपकी भी कोई क्रेजी फैन ऐसा कोई किस्सा हाँ फीमेल का तो ऐसा सच मैं तफसी ये कैसे हो सकता है शादी वो आप भाभी के डर से नहीं बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है इसमें <laughs> तो तो कोई दो राय नहीं मगर कुछ का तो उसे पता भी है अच्छा सही है और कोई फैन घर ही आ गई हो जज्बाती होके असल में देखिए हम सभी की जिंदगी में ये होता ये हाँ, ये है चैप्टर्स होते हैं हाँ चैप्टर्स होते हैं और लाजवाते लोग मोहब्बत करते हैं आप उन्हें फिर समझाते हैं कि बहुत हम आपको शादी कवर देते हैं आप शादी से पहले का कोई किस्सा सुना हाँ लेकिन मैं, मैं आपको ना जो फैन मोमेंट के हवाले से मुझे जो चीज़ें याद हैं उनमें से एक तो मुझे वो बहुत ही यानी कि मुझे बेपना खुशी होती है और ये तकरीबन सब के साथ होता है कि जब लोग मैंने देखा जब हरम में जाते हैं या मदीन पाक जब जाते हैं हाज़री के लिए और फिर बाज़ात वो आपको याद करते हैं अब तो जैसे कि वीडियो कॉल कर देते हैं या अज़ान सुनाते हैं या वो करते हैं तो बहुत ही यही कि आप बता नहीं सकते कि आपकी क्या कैफियत होती है और आपको सही मानों में ये एहसास होता है कि अच्छा हर अल्लाह ने किस नौीयत की मोहब्बतों से नवाज़ा है और मैं समझता हूँ कि मुझे जब मेरी बात हुई तो मुझे पता लगा कि तकरीबन सारे दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं ये तजुर्बा होता, होता, होता है, है।, है। तो इस नौीयत की मोहब्बत लोग करते हैं फिर इस तरह से जैसे मेरे एक दोस्त थे उनके भाई हमारे दोनों भाई हमारे मीडिया का हिस्सा हैं मैं नाम तो नहीं लूँगा सुरगुदा के हम सारे के सारे तो वो आ, मैंने उनको नई गजल कही थी कि गुनगुना बड़ी रोमांटिक गजल थी गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको गुनगुनाते हुए आंचल की हवा, हवा दे मुझको मुझ उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको अरे वाह वाह वा, 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 शुक्रिया वा। तो आप तो, तो देखें आर्ट आड, आर्ट में जो खूबसूरती है वो ये है जैसे अभी ये हमेरा गाना गाती है ना तो अगर इसको मिसाल के तौर पे दस लाख लोग सुन रहे हैं तो आप यकीन करें दस लाख के दस लाख अपने हिसाब से अपनी अपनी कैफियत में खो जाएंगे उसके दस लाख शेड्स निकलेंगे, निकलेंगे दस लाख कलर्स निकलेंगे दस लाख कैफियत को वो जन्म देंगे उस उस गाने के यही हमारे यहाँ भी होता है अब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आर्ट इस इस तरह से भी कोई परसीव कर सकता है तो मैंने जब ये सुनाई उन्हें तो वो रोना शुरू हो गए और वो बहुत ही संजीदा और कम्पोज मिजाज आदमी थे और हैं तो मैंने पूछा क्या हुआ अच्छा वो थे बड़े बेटे तो उन्होंने कहा कि जो मेरे दोनों बेटे जो भाई हैं छोटे तो मैं बड़ा हो गया तो मैं ये देखता था कि मेरी वालदा क्या करती थी कि उनको बिठा के और फिर उनके बालों में उंगलियां फेरती रहती थी तो, तो, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी माँ मेरे भी बालों में उंगलियां फेरे मगर मैं बड़ा हो गया था तो एक फ़ासला हो गया था तो आप देखें कि शेर बिल्कुल किसी और तरह से कहा गया किसी और मगर जिसने उसे लिया उसने किस तरह से वो क्या बात है वैसे तो वो मुझे बड़ा हैरान करते हो है। इस तरह के और कई वाकयात हैं तो कितनी खूबसूरती से आपने ना महबूबा से <laughs> और फैन से बात कन्वर्ट करके वाल्दा की तरफ ले गए <laughs> ये तो मतलब तो ऐसी ना समझी यही एक शायर का वादा होता अच्छा बब्बू आप बताइए आपके भी फैन मोमेंट्स ऐसे हैं हमें पता है हां जी है दे

मैं एक दो दफा उनसे मिला भी हूँ अच्छा। इसी वजह से कि यार वो इतना प्यार करते हैं तो चलो मिलना भी माशाल्लाह नहीं प्यार करना चाहिए तो अब जरा फीमेल का भी बता दे फीमेल भी एक है एक एक ही है अच्छा तो वो भी ऐसे ही जैसे हमारा जी बता रही थी कि फोन पे फोन और ये वो वो भी रोती है नहीं वो हंसती है <laughs> 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 चेक करा लो कुछ और फोन करके मैं हंसती भी मैं किन्नू फोन कर रही है आप सबको बहुत मुबारक हो मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। मुस्कुराते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये जी। कि ये बताएं अमान साथ के साथ आपकी बड़ी लंबी बैठकें रही उनसे क्या सीखा उनके उनसे जुड़ा उनसे मनसूब कोई वाकया वस... फनी बल्ले बल्ले फनी तो उनके साथ उनके साथ रहना ही हर बात पे उन्होंने हंसाना है और दुआएं उनकी बहुत है मेरे साथ लास्ट टाइम मैंने जो उनके साथ दो तीन साल काम किया मुझे वो हमेशा यानी कि दुआ भी देते थे और कहते थे वो राणा मेरा दिल ना <laughs> <ने के, रहते laughs> तो है। <laughs> मैं तेनों राणा कहना क्योंकि मैं कहते यार मेरी गल सुन मेरा महीना ला दे मैं तेनों राणा राणा कही जावागा तेरा फायदा ही है मेरे वेख के चार बंदे और कह